तो दोस्तों गुड मॉर्निंग बोलने से पहले एक दिखाता हूँ। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम आज कहाँ पे हैं? तो दोस्तों सत श्री अकाल, जी हाँ, हम हैं आज पंजाब में अमृतसर। क्योंकि मैंने यो वीडियो वगैरह स्टेटस कुछ नहीं डाला, क्योंकि मतलब मेरे पास बैकअप था तो मैंने वही डाल दिया है। सो सबसे बढ़िया बात तो आज ये हुई है कि आज मेरे कपड़े धुल गए पूरे। सो मैंने नहीं धोए, यहाँ होटल में ही एक मावसी मिली थी तो वो बोले कि आप मत धोना, मैं धो दूँगी। तो उनको कुछ पे करके वो उन्होंने कपड़े धो दिए, तो बहुत बढ़िया बात है। और अभी नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा चलते हैं वाघा बॉर्डर जो भी नाम है उसका, वहाँ पे चलते हैं। क्योंकि अभी रोज़ रोज़ खाना पीने का अमृतसर का बहुत फेमस है। सो उसका वीडियो तो कल आ जाएगा, लेकिन आज पहले हम चलते हैं वाघा बॉर्डर। क्योंकि हमें आज पूरा दिन ऐसे ही खुला पड़ा है, तो मैंने सोचा आज वाघा बॉर्डर कंप्लीट कर लेते, कल जाते गोल्डन टेम्पल मॉर्निंग में सुबह 4 बजे। लेट्स गो। और एक रूम टूर दे देता हूँ, कैसा रूम है आज मेरा। इस तरह से कुछ पैसेज है और ये रहा मेरा रूम, जो कि शुरू होते ही ख़त्म। ये बेड, यहाँ पे बाथरूम है, और यहाँ पे पुराने ज़माने का एक टीवी, भिड़े के ज़माने का, आत्माराम तुकाराम भिड़े के ज़माने का। यहाँ पे एक मिरर है, बस दी एंड। और मेरा बैग ऐसे ही पड़ा है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी और थोड़ा खाना पीना खा के बाद में चलते हैं वाघा बॉर्डर। तो भाई साहब, पंजाब में आके पंजाबी थाली नहीं खाओगे तो और क्या, गुजराती थाली खाओगे? तो हमने ऑर्डर किया है पंजाबी थाली। तो दिस इज़ द पंजाबी थाली, शाही पनीर, दाल मखनी, कर्ड, राइस, ऑनियन, लोनस, आमचा शेत लोनस आणि रोटी। तो दोस्तों खाना तो मैंने आधा तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये जो पटियाला ग्लास है उसका क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अभी भी इतना बाकी है। दिल्ली हो या पंजाब, हर जगह यही सिस्टम है। हाँ, ये भी चल रहा है। और यही अंकल है जिन्होंने हमें सुबह भी होटल दिखाया था और वहाँ पे ही छोड़ा था। तो दोस्तों ये गोल्डन टेम्पल एरिया, यहाँ पे सब लगती है और आने जाने का आपका 200 रुपये शेयरिंग में होता है। और सेपरेट जाए तो सेपरेट, अगर आपको जाना है तो 1200 तक हो जाएगा। और हाँ, उसके साथ एक दो मंदिर भी दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और गोल्डन में थोड़ा आगे जाके मुड़ जाएंगे ना, मिल जाएगा, राइट है ना? मेरी लाइफ में पहली बार आया हूँ पाकिस्तान के पास इतने। गेस व्हाट गाइस, यहाँ से लाहौर सिर्फ 24 किलोमीटर से, कितना 24। सो यहाँ पे है पार्किंग अपने खुद के व्हीकल के लिए। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आ चुके हैं और भीड़ हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। सच में आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है खुद पे इंडियन होने के ऊपर, लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट में सफर। तो अभी हम है इंडिया साइड में और वहाँ पे साइड में है पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे पाकिस्तान है, मैप पे दिखाऊंगा आपको।
एवं गणमान्य व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से जेसीबी अटारी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आप सभी 25 मिनट के आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
भाई हो चुके हैं परेड खत्म। मजा आया, बहुत मजा आया। बाकी का एक्सपीरियंस बाहर जाके बताता हूँ मैं। तो दोस्तों जो लोग मतलब वहाँ पे परेड वगैरह कर रहे थे, नहीं तो और कोई भी सैनिक हमारा जवान, सच में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, सेलिब्रिटी नथिंग है इनके सामने। तो अगर फोटो वगैरह खींचाना तो इनके साथ खींचना, जैसे कि मैंने भी खींचा है। वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा या इंस्टाग्राम के स्टोरी पे भी मिल जाएगा। बहुत मज़ा आया सच में। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है क्योंकि यार प्राउड ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच, मिलते कल गोल्डन टेम्पल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।